in atomic and molecular physics today we are going to know about the effect of magnetic field on the spectral line of a line spectra you know uh, atoms uh, actually produce line spectra and if you pro if you place a source of line spectra that is a light source which produces line spectra in an external magnetic field particularly a strong magnet ex external magnetic field then what will be the effect of that magnetic field on a particular spectral line of the line spectra in fact the study of the effect of magnetic field on the spectral line of a line spectra was first of all studied by a famous atomic physicist geman in, in 1896 and so this discovery of geman is known as geman effect in this lecture our aim is only to know what is this geman effect we will not see a, any explanation of such an effect but in the forthcoming lectures we will explain दिस जीवन इफेक्ट इन वेरी डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच सो लेटस स्टार्ट टू नो वट इज दिस जीवन इफेक्ट देखिए एक्चुअली जैसा हमने अभी आपसे कहा कि अगर आप कोई सोर्स है लाइट का या आटम्स का जो आप कह सकते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है अगर उसे किसी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ़ील्ड में आप प्लेस कर देते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस स्पेक्ट्रम के किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन पर क्या होता है इनफेक्ट इसी बात को जीमेन इफेक्ट बताता है ठीक है एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है कि अगर आप लाइट का सोर्स जो लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है उसे आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कोई भी एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वह स्प्लिटेड होता है एक नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में एक ही लाइन स्प्लिट हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा हो सकता है कि वह ब्रेकिंग दो लाइन में हो तीन लाइन में हो या उससे भी अधिक के में उसका स्प्लिटिंग हो जाए तो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग दो लाइंस में तीन लाइंस में चार लाइंस में छः लाइन में या उससे भी अधिक लाइन में इस तरह की जो घटना होती है एक्चुअली दैट वेरी फेनोमेनन इज नोन एज जीमेन इफेक्ट आप वैसे ही घटना को क्या बोलते हैं जीमेन इफेक्ट कहते हैं बात सुनना ही तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि यह एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट एक लाइन स्पेक्ट्रम पर क्या होगा उस बात को डिस्कस करता है जी मैन इफेक्ट और जैसा हमने कहा आपसे कि यदि आप लाइन स्पेक्ट्रम के लाइट सोर्स को प्लेस कर देंगे किसी स्ट्रांग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन टू लाइंस और थ्री लाइंस और फोर लाइंस और सिक्स लाइंस एंड इवन मोर देन सिक्स लाइंस तो ऐसे घटना को आप जीमेन इफेक्ट कहते हैं इनफैक्ट ये जो जीमेन इफेक्ट है यह दो तरह का होता है एक को हम लोग कहते हैं नॉर्मल जीमेन इफेक्ट और दूसरे को कहते हैं एनोमेलवा जीमेन इफेक्ट हम लोग अभी यह देखेंगे कि नॉर्मल जीमैन इफेक्ट क्या होता है और फिर ये एनोमिल्वस जीमैन इफेक्ट क्या होता है ये अभी आज के क्लास में हम केवल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट में देखा क्या जाता है उसके किसी एक्सप्लेनेशन की बात आज नहीं करने जा रहे हैं आने वाले लेक्चर्स में इन घटनाओं को हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मेथड से या क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच से एक्सप्लेन करेंगे ठीक है देखिए तो पहले जानते हैं कि नॉर्मल जीमेन इफेक्ट क्या है देखिए एक्चुअली नॉर्मल जीमेन इफेक्ट के, के केस में आ, देखा जाता है कि ये नॉर्मल जीमेन इफेक्ट भी दो तरह का होता है ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर जो उस स्प्लिटेड एस्प्ल लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करता है उसका डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है दो तरह से यह ऑब्जर्वेशन हो सकता है पहला तरीका है कि आप ऑब्जर्व कीजिए उस स्प्लिटेड स्पेक्ट्रम को जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जैसे मान लीजिए कि आपने इस अपवाद डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया सोर्स के ऊपर और आपका जो आप ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन से हॉरिजेंटल डायरेक्शन से देख रहा है मतलब इस ऑब्ज़र्वेशन के लाइन और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि वैन यू विल ऑब्जर्व द स्प्लिटेड स्पेक्ट्रम फ्रॉम ए डायरेक्शन विच इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि एक जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है उसका स्प्लिटिंग तीन प्लेन पोलराइज कंपोनेंट्स में हो जाता है कितने कंपोनेंट्स में तीन और वह तीनों ही प्लेन पोलराइट होगा ठीक है बसरते ऑब्जर्वेशन किया, किया गया हो मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक्चुअली इस घटना को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स नॉर्मल जीव इफेक्ट ट्रांसवर्स मतलब सेंस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो इसलिए ट्रांसवर्स वर्ड का यूज होता है और हम लोग ऐसी घटना को ट्रांसवर्स नॉर्मल जीवन इफेक्ट बोलेंगे जैसे आप इस फिगर में देखिए हमने यहाँ फिगर में दिखाया है कि ये जो आप बोल्ड लाइन देख रहे हैं दिस इज ए, ए स्पेक्ट्रल लाइन या कोई भी या एक ए सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है और ये उस समय की बात है जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है बी इज़ इक्वल टू जीरो बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड जब आपने अप्लाई नहीं किया उस समय यह एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है जो आप इस ऊपर वाले फिगर में देख रहे हैं जहां हम अभी हमारा यह पेन चल रही है आप इस लाइन को देखिए कि दिस इज ए सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इन एबसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन बी इज इक्वल टू जीरो बट व्हेन यू विल अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड नाव अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ नो नॉट जीरो एंड ऑब्जर्व दिस स्पेक्ट्रल लाइन फ्रॉम ए डायरेक्शन विच इज़ जस्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो आप क्या देखेंगे ऑब्जर्वेशन में क्या आता है देखा यह जाता है कि ये जो लाइन है सिंगल लाइन था जो इन एब ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब उसका स्प्लिटिंग तीन स्पेक्ट्रल लाइन में हो गया जो आप इस नीचे वाले रेक्टेंगल के भीतर देखिए कि देर आर थ्री बोर्ड लाइन्स एक्चुअली ये स्प्लिटेड लाइन है एक ही लाइन का स्प्लिटिंग हो गया तीन स्पेक्ट्रल लाइन्स में इस तीनों लाइन में जो एक बीच वाला लाइन है जो बीच वाला आप देखते हैं ये एक्चुअली उसी पोजीशन पर होता है जहां आपका ये जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन था आप देखिए कि ठीक उसी के पास हमने इसको दिखाया उसी पोजीशन पर होता है ठीक है मतलब जो अनडिस्टर्ब पोजीशन था अनडिस्टर्ब मींस वेन देर इज नो पर्टरबेशन नो मैग्नेटिक फील्ड इनफैक्ट इन दैट कंडीशन जहां पर हमारा सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन था उसी पोजीशन पर एक स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म करता है लेकिन जो रिमेनिंग टू लाइंस है वह इस अनडिस्टर्ब पोजीशन के दोनों तरफ राइट right साइड में भी आप देखिए कि ये राइट right साइड का लाइन दिखा रहे हैं और ये लेफ्ट साइड का लाइन दिखा रहे हैं ये दोनों सीमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड हो जाता है कहने का मतलब कि ये जो सेपरेशन आप देख रहे हैं अनडिस्टर्ब पोजिशन से राइट right में जो लाइन है उसका और अनडिस्टर्ब पोजिशन से लेफ्ट में जो लाइन है उसका ये बोथ ऑफ दिज डिस्टेंसेज आर सेम जब तुम यहाँ डिस्टेंस मापते हो तो एक्चुअली यह डिस्टेंस वेव नंबर के टर्म में मापा जाता है तो वेव नंबर सेपरेशन बिटवीन द अनडिस्टर्ब पोजिशन एंड द न्यू पोजिशन ऑफ द स्प्लिटेड लाइन या इसके बीच का वेव नंबर सेपरेशन बराबर होता है कहते हैं कि यह इक्वली डिस्प्लेस्ड हो जाता है फ्रॉम द अनडिस्टर्ब पोजिशन साथ ही साथ इसमें जो अनडिस्टर्ब पोजिशन पर लाइन है आप देखिए हमने उसको पाए सिंबल से डिनोट किया है एक्चुअली ये जो पाए लाइन है यह प्लेन पोलराइज है लेकिन आप जानते हैं कि प्लेन पोलराइज प्लेन पोलराइज लाइट जब भी होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है दैट इज़ इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन तभी आप उसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट तो पाए वाले के केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन है दैट इज जस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखो हमने लिखा ई इज पैरल टू बी ई से सेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है किस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और उस कंपोनेंट को हम लोग पाई कंपोनेंट कहेंगे जबकि ये जो सिग्मा लाइंस है जिसको हमने सिग्मा सिंबल से डिनोट किया देखिए या दो है जो सिमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड है फ्रॉम द पाई स्पेक्ट लाइन इस केस में देखा जाता है कि जो सिग्मा लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वह वाइब्रेट करता है जस्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग तीन लाइन में हुआ लेकिन ऑब्जर्वर को यह तीन लाइन ऑब्जर्व होगा कब एक्चुअली ये तब होता है जब ऑब्जर्वर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ऑब्जर्व करता है इसको तो हम लोग इस तीन लाइन के सिस्टम को बोलते हैं नॉर्मल ट्रिपलेट या नॉर्मल जीमेन ट्रिपलेट भी आप कह सकते हैं और इस घटना को क्या बोलेंगे तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स नॉर्मल जीमेन इफेक्ट ट्रांसवर्स नॉर्मल जीम इफेक्ट क्योंकि ऑब्जर्वेशन का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के ठीक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बात समझ में आई हम उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ गए होंगे कि जो ये नॉर्मल ट्रांसवर्स जीम इफेक्ट क्या होता है बात क्लियर है अब देखो लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इस सबसे पहले जो भी बात हमने अभी आपको बताई है वह सारा का सारा देख के हमने आपके कन्वीनियंस के लिए हम मेंशन कर दिया है आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो देखते हुए और आपका एक कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा इसीलिए आप इसको देखिए हमने यहाँ लिखा ना सेंट्रल लाइन ऑक्यूपाइज द अनडिस्टर्ब पोजिशन ये सब बात यहाँ लिखा हुआ अनडिस्टर्ब पोजिशन एंड इज प्लेन पोलराइज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वाइब्रेटिंग पैरल टू ध्यान दीजिए पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड है ना एंड इट इज कॉल्ड पाई कंपोनेंट ठीक है फिर देखो द आउटर टू लाइन्स आर ऑल्सो प्लेन पोलोराइड ये भी प्लेन पोलराइड है बट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है एंड सो दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज सिग्मा कंपोनेंट्स ओके एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ट्रिपलेट एंड द इफेक्ट इज नोन एज नॉर्मल ट्रांसफर्स जीम एन इफेक्ट ओके अब तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हमारा नॉर्मल ट्रांसफर्स जीम एन इफेक्ट क्या है लेकिन अब अगर सोचो कि ऑब्जर्वर उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को उस सिंगलेट पर ऑब्जर्व करता है लेकिन उसी डायरेक्शन से ऑब्जर्व करता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है बात समझा रही है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम एज दैट ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन तब ऑब्जर्वेशन में क्या देखा जाता है एक्चुअली अगर आप सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे उसके इफेक्ट का स्पेक्ट एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन पर लेकिन किस डायरेक्शन से तो इन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तब यह देखा जाता है कि जो एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है उसका स्प्लिटिंग तीन लाइंस में नहीं होता है बल्कि उसका स्प्लिटिंग होता है दो लाइंस में टू कंपोनेंट्स में वह स्प्लिटेड होगा ठीक है तो ये जो घटना होगी कि दो स्पेक्ट्रल लाइन में उसका स्प्लिटिंग हुआ व्हेन वी ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिस फिनोमेन इज एक्चुअली नोन एज नॉर्मल नॉर्मल लॉन्गी टूडिनल इफेक्ट इस घटना को क्या बोलेंगे नॉर्मल लॉन्गी टूडिनल इफेक्ट देखो अब इस केस में जो दो स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है आप जरा यहाँ ध्यान से देखिए इस फिगर को कि एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है और जो हमने यहाँ ऊपर वाले इस बॉक्स के अंतर्गत एक डीप लाइन बनाया है या एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है यह उस समय का है जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है बी इज जीरो लेकिन आप नीचे वाले बॉक्स को देखिए इसके अंतर्गत हमने दो डीप वर्टिकल लाइंस दिखाया है जो एक्चुअली दो कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है आफ्टर स्प्लिटिंग या उस समय आपके ऑब्जर्वेशन में आएगा जबकि मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया बी इज नॉट जीरो लेकिन अगर मान लो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है इस वर्टिकल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन सपोज करो तो उस स्थिति में ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन का लाइन है या इसी के पैरेलल में होना चाहिए लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज जस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनफैक्ट इन दैट कंडीशन यू विल फाइंड दैट दिस सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन विल बी स्प्लिटेड इन टू 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 स्पेक्ट्रल लाइन्स जो कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं और इस केस में ये जो दो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग के बाद मिलता है ये दोनों ध्यान दीजिए कि दीज आर ऑल्सो पोलराइज बट नॉट प्लेन पोलराइज ध्यान दो ये स्पेक्ट्रल लाइन नॉट प्लेन पोलराइज ये प्लेन पोलराइज नहीं होता है नॉट प्लेन पोलराइज है लेकिन प्लेन पोलराइज नहीं है तो फिर है क्या एक्चुअली इट इज फाउंड दैट टू आर सर्कुलरली पोलराइज ये दोनों लाइन कैसा होगा सर्कुलरली पोलराइज होगा सर्कुलरली लेकिन दोनों, भी, दोनों एक ही तरह का सर्कुलरली पोलराइज नहीं होता है आपने जब पोलराइजेशन पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो सर्कुलरली पोलराइज लाइट होता है उसमें भी दो बातें हैं या तो वह एंटी क्लॉक सर्कुलरली पोलराइज होगा या क्लॉक जिसको हम लोग राइट हैंड हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज कहते हैं और लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज कहते हैं तो ध्यान से आप ज़रा देखिए कि जो लेफ्ट साइड का हमारा लाइन है इस पर हमने एक एरो हेड बनाया है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है इसके सबसेंस ऑफ सर्कुलेशन और राइट right साइड में बनाया दोनों का जो आप सेंस देखेंगे वह अपोजिट है आप गौर से देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वह एंटी क्लॉक सेंस में हम देख दिखा रहे हैं इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस लेफ्ट साइड वाले स्पेक्ट्रल लाइन का वह रोटेट कर रहा है इन दें इन क्लॉक सेंस ये लेफ्ट वाले का क्या है क्लॉक ठीक है इसको हम लोग राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज कहते हैं और जो राइट right साइड वाला है उसको देखो कि यह एंटी क्लॉक रोटेशन कर रहा है सो दीज टू लाइन्स आर सर्कुलरली पोलराइज लेकिन एक अगर इसमें है राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज तो दूसरा है लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज तो एक सिंगल स्पेक्टल लाइन जो इन एबसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसका स्प्लिटिंग दो सर्कुलरली पोलराइज कंपोनेंट में हुआ लेकिन यह ऑब्जर्वेशन उस समय आता है जबकि आपका लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है तो ये जो घटना है यह भी एक नॉर्मल जीमेन इफेक्ट की घटना है लेकिन इस समय जो पैटर्न मिला इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसमें दो स्पेक्ट्रल लाइन है इसीलिए इसको कहते हैं नॉर्मल जीमेन डबलेट नॉर्मल जीमेन में डबलेट तो इस तरह से आपने देखा कि जो नॉर्मल जीमेन इफेक्ट है वह भी दो तरह का हुआ वह डिपेंड करता है हमारे ऑब्जर्वेशन के मैनर पर डायरेक्शन पर जब आप परपेंडिकुलर बी के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सिंगल लाइन का स्प्लिटिंग तीन स्पेक्ट्रल लाइन में हुआ तीनों प्लेन पोलराइज है उस तीन में एक अनडिस्टर्ब पोजिशन पर है और बाकी दो सिगमा कंपोनेंट्स इक्वली डिस्प्लेस्ड है लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तब इस सिंगल लाइन का स्प्लिटिंग दो सर्कुलरली पोलराइड स्पेक्ट्रल लाइन में होता है और ये जो दो सर्कुलरली पोलराइज स्पेक्ट्रल लाइन है दोनों एक्चुअली इस ये जो अनडिस्टर्ब पोजिशन होगा इन एबसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ अन अनपर्टर्ब पोजिशन भी कह सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में यह दोनों स्पेक्ट्रल लाइन इक्वली डिस्प्लेस्ड होता है ऑन वेव नंबर स्केल आप अगर इस अनडिस्टर्ब पोजिशन से वेव नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे दोनों स्पेक्ट्रल लाइन का तो वह इक्वल आएगा ठीक है यहाँ डिस्टेंस को मापा जाता है ऑन वेव नंबर स्केल ओके सो हम उम्मीद करते हैं कि यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नॉर्मल जी मैन इफेक्ट हमने पहले कहा कि हम अभी केवल घटना की बात कर रहे हैं क्यों होता है कैसे होता है इसका एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट मैटर है हमारे आने वाले दूसरे लेक्चर का ठीक है अब देखो अब अगर बात करें कि हमको अगर नॉर्मल जीमेन इफेक्ट वाला पैटर्न प्राप्त करना है तो हम जो लाइट का सोर्स लेंगे वह सोर्स किस एलिमेंट का बना हुआ होगा तो आप देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का नाम लिया है आप उस वैसे सोर्स का यूज करेंगे तब आपको नॉर्मल जीमेन इफेक्ट जैसी घटना देखने को मिलेगी जैसे कैल्शियम सी ए कॉपर सी यू जिंक जेड एन सी डी जो है कैडमियम ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसका लाइन स्पेक्ट्रम होगा और इसके आइटम का और उस लाइन स्पेक्ट्रम को प्लेस करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो नॉर्मल जीम इफेक्ट की घटना ऑब्जर्व होती है बात क्लियर है ये याद रखने का चीज है अब देखो हमने भले ही यहां लिख दिया एक्सप्लेशन लेकिन हम यहां को एक्सप्लान करने ही नहीं जा रहे हैं बल्कि जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसका एक्सप्लेशन होता कैसे है एक्चुअली नॉर्मल जीमेन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन क्लासिकली इसका क्लासिकल एक्सप्लेशन भी है सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस नॉर्मल जीमेन इफेक्ट यू कैन द क्लासिकल अप्रोच क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से भी हम व्याख्या कर सकते हैं नॉर्मल जीमेन इफेक्ट का और फिर इसका क्वांटम मिकैनिकल एक्सप्लानशन भी है और जो नॉर्मल जीमेन इफेक्ट है अगर इसे क्वांटम मिकैनिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप तो इसके एक्सप्लानशन के लिए हमारा जो श्रोडिंगर का वेव मिकैनिक्स है या वेव थियोरी है आप उसका उपयोग कर सकते हैं कहने का मतलब जहां आप तीन ही क्वांटम नंबर की बात करते हैं एन एल और एम एल का उसके यूज से इसका एक्सप्लेनेशन संभव है कहने का मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन में स्पिन जैसा प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं श्रोडिंगर के वेब मैकेनिक्स में स्पिन का कोई आइडिया नहीं था तो विदाउट टेकिंग द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अकाउंट वी कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन दिस नॉर्मल जीवन इफेक्ट इसका हम सक्सेसफुल व्याख्या कर सकते हैं ठीक है तो श्रोडिंगर के वेब क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर भी इसका व्याख्या पॉसिबल है और यही हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे मतलब वह स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को कंसिडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है इफ़ योर एम इज़ टू एक्सप्लेन नॉर्मल जी एन इफेक्ट आप कर सकते हैं बिना स्पिन क्वांटर अकाउंट लिए बात समझ आई लेकिन कैसे करेंगे ये हम लोग सीखने सीखेंगे आने वाले लेक्चर में ठीक है अभी हमने केवल इन्फॉर्मेशन दिया कि कैसे करें अब देखिए अब हमने कहा था कि जी एन इफेक्ट दो तरह का है नॉर्मल जी एंड इफेक्ट और एनोमेलवस जी एंड इफेक्ट नॉर्मल को तो आपने क्लियरली समझ लिया घटना को केवल समझा है ठीक है अब बात करने जा रहे हैं दूसरे जी एन इफेक्ट की जिसको कहते हैं एनोमेल्वस जी एन इफेक्ट ठीक है देखो एनोमेलवस जी एन इफेक्ट में क्या होता है आप जरा ध्यान से देखिए कि इस कंडीशन में एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग चार लाइंस में हो सकता है छह लाइंस में हो सकता है या उससे भी अधिक लाइंस में होता है उससे भी अधिक लाइन में ठीक है तो अगर एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग फोर स्पेक्ट्रल लाइंस में हो जाए सिक्स स्पेक्ट्रल लाइंस में हो जाए या उससे भी अधिक स्पेक्ट्रल लाइंस में हो जाए तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन सच एफ फेनोमेन इज नोन एज एनोमेलवस जीम एन इफेक्ट उस घटना को क्या बोलते हैं एनोमेल्वस जीम एंड इफेक्ट कहते हैं और इस केस में ध्यान रखना है कि फिर हम जो ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न को स्प्लिटेड पैटर्न को वह किस डायरेक्शन में तो फ्रॉम द फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ केवल ट्रांसफर्स जीम एंड इफेक्ट की बात बात हो रही है आपको ऑब्जर्वेशन करना है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन तब आप देखेंगे कि इस केस में एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग फोर लाइन सिक्स लाइन्स या मोर देन सिक्स लाइन्स में भी हो जाता है एंड सच ए फेनोमेनन इज नोन एज या सच एन इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज एनोमेल इफेक्ट ठीक है जैसे हम यहां पर इस बात को एक सिर्फ प्रॉपर एग्जाम्पल से इस फिगर में दिखाए हैं जरा आप ध्यान से देखिए देखिए जब आप सोडियम का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो एक्चुअली सोडियम स्पेक्ट्रम में दो बहुत ही क्लोज लाइंस होता है दिस इज नोन एज एक्चुअली फाइन स्ट्रक्चर देयर आर टू क्लोज लाइंस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम एंड दोज टू लाइंस आर नोन एज सोडियम डी वन लाइन एंड सोडियम डी टू लाइन ठीक है तो ये सोडियम येलो डॉबलेट एग्जिस्ट करता है सोडियम के स्पेक्ट्रम में ठीक है अब सोचो कि अगर उसी सोडियम सोडियम का का जो spectrum, का जो सोर्स है उसको अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें और फिर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से उसको ऑब्जर्व करें तो क्या हम पाएंगे क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया आप इस फिगर में देखिए यहां इस अपर बॉक्स में जो लेफ्ट साइड का यह फिगर है इसके अपर बॉक्स के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमने एक डीप करके एक वर्टिकल लाइन दिखाया है एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स द डी वन लाइन और यह डी वन लाइन उस समय है जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया बी इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब अगर आप इस सोर्स के ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं इट मीन्स बी इज नो नॉट जीरो इस नीचे वाले बॉक्स को देखो तो देखा जाता है कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन था जिसको आप कह रहे हैं डी वन लाइन उसका स्प्लिटिंग चार प्लेन पोलराइज लाइन्स में हो जाता है चार प्लेन पोलराइज लाइन में ठीक है और जो अनडिस्टर्ब पोजिशन है उससे ये चारों लाइन डिस्प्लेस्ड होता है यहाँ पर अनडिस्टर्ब पोजिशन पर कोई स्प्लिटिंग के बाद लाइन प्रेजेंट नहीं है अब ये जो चार लाइन है इस नीचे वाले बॉक्स के भीतर देखो हमने दिखाया कि दीज आर द फोर स्पेक्ट्रल लाइन्स विच वी गेट आफ्टर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑन सोर्स ऑफ सोडियम ठीक है तो वन लाइन का स्प्लिटिंग कितने लाइन्स में हो गया फोर लाइन्स में फिर हमारा एक्सपेरिमेंट बताता है कि इस चार लाइन में ये जो भीतर वाला इनर टू लाइन्स है आप देखिए दो आर डिनोटेड बाय द सिंबल पाई इसको पाई कंपोनेंट कहते हैं और पाई कंपोनेंट में क्या होता है बताओ एक्चुअली इस दोनों प्लेन पोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का पाई कंपोनेंट की अगर बात करेंगे तो पाई कंपोनेंट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब हम लिखते हैं ई पैरल टू बी तो ई को क्या समझोगे दिस इज दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वैसे कंपोनेंट को आप कहते हैं पाई कंपोनेंट ठीक है लेकिन जो दो आउटर लाइंस है

प्लेन पोलराइज है इस मैनर से कि उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो आउटर टू लाइंस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेकिन ये ऑब्जर्वेशन फिर आपको तब मिलता है जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ऑब्जर्वेशन करते हैं ध्यान से देखिए तो ये जब हम एनोमेलवस मेलवस जीमन इफेक्ट की बात करेंगे ना तो हमेशा ट्रांसवर्स ऑब्जर्वेशन भी ही होगा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एनोमेलवस मेलवस जीमन इफेक्ट इज ऑलवेज ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट ये हमेशा ट्रांसवर्स होता है ओके तो सोडियम के स्पेक्ट्रम के D1 लाइन का स्प्लिटिंग कितने लाइन में हुआ चार लाइन में हुआ ठीक है लेकिन वहीं अगर जो दूसरा क्लोज स्पेक्ट्रल लाइन है सोडियम डबलेट का जिसको आप कहते हैं D2 लाइन जो आप राइट right साइड के इस बॉक्स के भीतर देखिए हमने एक D2 लाइन को यहाँ पर फिगर में दिखाया है जो वर्टिकल लाइन आप थोड़ा डीप करके देख रहे हैं फिर इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो यह एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है अब मान लो कि तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो B इज नाव नॉट जीरो इट मीनस वी आर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड और फिर ऑब्जर्वर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ऑब्जर्व करता है इसको तो देखा यह जाता है कि ये जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन था D2 टू लाइन इन सोडियम स्पेक्ट्रम इन एबेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉ आफ्टर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड दिस D2 टू लाइन इज स्प्लिटेड इन टू सिक्स स्पेक्ट्रल लाइन सिक्स कंपोनेंट में इसका स्प्लिटिंग हो जाता है ओके और ये जो सिक्स कंपोनेंट्स है सिक्स स्पेक्ट्रल लाइंस है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप नीचे वाले बॉक्स के भीतर देखिए हमने सिक्स वर्टिकल लाइंस दिखाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्लिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस को जो कि प्राप्त हुआ है डी टू से और ये सिक्स कंपोनेंट्स सभी प्लेन पोल है पहले एक जैसा सिक्स में सारा का सारा प्लेन पोल है और देखा यह जाता है कि जो इनर टू लाइंस है आप भीतर वाले दो लाइन को देखिए जो सिमेट्रिकली इन अपोजिट डायरेक्शन में है अनडिस्टर्ब पोजिशन से वेब नंबर स्केल पर फिर यह सेपरेशन और यह सेपरेशन एक्चुअली बराबर ही होगा ठीक है तो ये जो भी, भीतर वाला इनर जो दो स्पेक्ट्रल लाइन है ये फिर कहलाता है पाई कंपोनेंट क्या बोलेंगे इसको पाइक कंपोनेंट और पाइक कंपोनेंट जैसे ही बोलोगे तो समझ जाओ कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर वाइब्रेशन हो रहा है दैट इज जस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ई इज पैरल टू बी लेकिन इसके अलावा जो आउटर लाइंस है दो लेफ्ट साइड में और दो राइट right साइड में बोथ आर ऑल्सो प्लेन पोलराइट बट दे आर कॉल्ड सिगमा कम्पोनेंट्स एंड 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 इन सिगमा कम्पोनेंट्स यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स जस्ट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो इस तरह से अगर सोडियम डबलेट की हम लोग बात करें कोई भी जो मल्टीप्लेट है आप उसको प्लेस कर देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो ऐसी ही घटना आपको ऑब्जर्व हो तो हम लोग इसको सोडियम के D1, D2 लाइन के लिए एनोमेलवस पैटर्न कह सकते हैं और इस घटना को बोलते हैं एनोमेलवस जीम इफेक्ट यहाँ एनोमेलवस ट्रांसवर्स जीव इफेक्ट कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस केस में केवल ट्रांसवर्स जीम इफेक्ट ही ऑब्जर्व होता है ओके हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ दिस एनोमेलवस जीम इफेक्ट फिर देखो अगर एनोमेलवस पैटर्न हमको प्राप्त करना है तो हमारा जो लाइट का सोर्स होना चाहिए वह क्या होना चाहिए उसका हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया है जैसे सोडियम का तो अभी दिखा यही पैटर्न आप सोडियम का सोर्स ले सकते हैं एन या क्रोमियम का सोर्स ले सकते हैं ठीक है तो ऐसे सोर्सेस का जब आप यूज करेंगे तो आपको एनोमेलवस जीवन पैटर्न मिलेगा ओके अब देखो अगर कोई एनोमेल्वस जीमन इफेक्ट की व्याख्या करना चाहता है तो आप याद कीजिए जब हमने स्पिन का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि क्यों स्पिन की आवश्यकता हुई तो कुछ घटनाएं थीं जिसका एक्सप्लेनेशन विदाउट कंसिडरिंग द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर अकाउंट नहीं हो पा रही थी उन घटनाओं में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था एनोमेल्वस जीमन इफेक्ट याद करो कि एनोमेलवस जीमेन इफेक्ट का एक्सप्लानेशन श्रोडिंगर के वेब मैकेनिक से या क्लासिकल मिकैनिक से नहीं हो पाता है इस घटना का एक्सप्लानेशन केवल तभी हो सकता है जब हम यह मानें कि हमारे इलेक्ट्रॉन में स्पिन जैसा गुण है या उसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है तभी आप इस घटना का व्याख्या कर सकते हैं सो so, दिस एनोमेलवस जीमन इफेक्ट हैज नो क्लासिकल एक्सप्लानशन यू कांट एक्सप्लेन दिस फेनोमेन क्लासिकली ठीक है और फिर क्वांटम मिकैनिक्स में भी अगर आप स्रोडिंगर के क्वांटम मिकैनिक्स या वेव मकैनिक्स का यूज करते हैं जहां हम स्पिन की बात नहीं करते आप तीन ही क्वांटम नंबर लिखते हैं एन एल और एम एल तो उस स्रोडिंगर के वेब मकैनिक्स से भी एनोमेलवस जीमन इफेक्ट की व्याख्या नहीं हो सकती है ध्यान दो श्रोडिंगर के वे मैकेनिक्स से भी इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है ठीक है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन होगा क्वांटम मैकेनिक्स से ही होगा लेकिन तब होगा जब हम ये बोलेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन में स्पिन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम जैसा एक इंटरनल एंगुलर मोमेंटम और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होता है और तब आप कहते हैं कि एक्चुअली देयर इज ए फेनोमेन ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एल और एस का कपलिंग होता है और जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है जे वह क्रिएटेड होता है और तब आप क्वांटम नंबर को बोलते हैं एन एल एम एल जे एंड एम एस इतना क्वांटम नंबर हो जाता है तो अगर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अंडर अकाउंट लिया जाए देन यू कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन एनोमेल वॉज जीम एन इफेक्ट तब इसकी व्याख्या हो जाएगी लेकिन होगी कैसे ये तो सब्जेक्ट मैटर है आने वाले लेक्चर का तो हम अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सबसे पहले हम लोग उसके में पढ़ेंगे कि नॉर्मल जीम एन इफेक्ट का क्वांटम मिकैनिकल एक्सप्लानशन कैसे होगा क्लासिकल एक्सप्लानेशन हम नहीं बताएंगे और फिर जो एनोमेल्वस जीम एंड इफेक्ट है उसको कैसे क्वांटम मैकेनिक्स से स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन कॉन्डर अकाउंट लेते हुए एक्सप्लेन करेंगे इन सारी बातों को इन वेरी डिटेल वी विल डिस्कस इन द फोर्थ कमिंग लेक्चर ठीक है तो आज हमने केवल आपको इतना बताया है कि ये जीम इफेक्ट है क्या ठीक है जीम एन इफेक्ट है क्या इसको आपने समझा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या आता है उसको आपने देखा लेकिन व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस इसके पीछे फिजिक्स क्या है कैसे इन घटनाओं का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है ये सब हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे ठीक है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्लास आपको अच्छा लगा होगा आपने बातों को समझा होगा एंड एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो जीमेन इफेक्ट है ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अलावा जो आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं उसके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो आपको प्रॉब्लम डायरेक्ट पूछेगा कोई ट्रांजिशन दिखाएगा और कहेगा कि इसका जीवन पैटर्न क्या होगा उसको बताओ फिगर ड्रॉ करने जो हम लोग सीखेंगे आगे तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सो आप सीरियसली सारे वीडियोज को देखिए और आप निश्चित रूप से इन्जॉय करेंगे और आप देखेंगे कि ये आपके लिए बड़ा ही यूजफुल और बड़ा ही हेल्पफुल कॉन्सेप्ट होगा और काफ़ी मज़ा आपको आएगा इसको पढ़ने में